मध्य प्रदेश के खजुराहो में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों मंगल चातुर्मास कर रहे हैं। प्रत्येक दिन की तरह 1 सितंबर को भी गुरु भक्तों ने आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में गुरु पूजन किया। समाधि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी पटाचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग 24 पिच्छी का पावन वर्ष योग मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अधीश क्षेत्र खजुराहो की पावन धरा पर प्रथम बार चल रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त मुनिवर के दर्शन और आशीर्वाद को आ रहे हैं। 1 सितम्बर को भी गुरु भक्ति का ये क्रम अनवरत जारी रहा। गुरु भक्ति को दूर दूर से आए गुरु भक्तों ने समाधि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। साथ ही भक्तों ने आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में गुरु भक्ति कर अष्ट द्रव्यों के साथ गुरु पूजन किया और आचार्य श्री के समक्ष शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूजन के बाद भक्तों को आचार्य श्री की मंगल देशना सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्वों में वस्तुतः जीव और अजीव ये दो ही तत्व हैं, जो स्वतंत्र इनका अस्तित्व पाया जाता है। महाराज, मोक्ष तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्या? विचार करने की बात है, क्योंकि बंद जो होता है वो एक में नहीं हुआ करता, बंद दो में होता है। तो जीव और अजीव ये दो तत्व हैं, जिनका संबंध अनादिकालीन संबंध है और उसके कारण ही आश्रव और बंद तत्व सामने आ रहे हैं। स्वतंत्र बंद कोई वस्तु है ही नहीं, कोई न कोई व्यक्ति बंधा हुआ अनुभव करता है। तो किससे बंधा है, बंधा किससे? वह कर्मों से बंधा है, इसे स्पष्ट है। जो पौद्गलिक कर्म हैं उनका संबंध आत्मा के साथ अथवा जीव के साथ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कर्म का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस दौरान अतिशी क्षेत्र खजुराहो में गुरु भक्त आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पूजन और मंगल देशना सुन भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।